आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पंचमहल फतेहपुर सीकरी आगरा में योग कार्यक्रम में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री एवं उपनेता राज्यसभा मुख्तार अब्बास नकवी शामिल हुए। फतेहपुर सीकरी आगरा यूपी में आज केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री एवं उपनेता राज्यसभा मुख्तार अब्बास नकवी ने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर फतेहपुर सीकरी यूपी के ऐतिहासिक पंचमहल में बड़ी संख्या में समाज के सभी वर्गों के लोगों के साथ योग किया। राज्यसभा सांसद हरद्वार दुबे, फतेहपुर सीकरी लोकसभा सांसद राजकुमार चाहर, विधायक बाबूलाल चौधरी एवं विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी एवं अन्य जनप्रतिनिधि और विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख लोग भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर नकवी ने कहा कि योग पूरी दुनिया के स्वास्थ्य और सौहार्द और खुशहाली का परफेक्ट भारतीय हेल्थ हेल्पर है। नकवी ने कहा कि योग अच्छी सेहत के खजाने की गोल्डन चाबी है और अच्छी सेहत ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। नकवी ने कहा कि वह स्वयं पिछले कई वर्षों से योग करते आ रहे हैं। योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि यह सेहत विज्ञान भी है। योग मस्तिष्क शरीर के बीच एकता कायम करता है। योग तन को मजबूती और मन को शांति प्रदान करता है। नकवी ने कहा कि आज पूरा विश्व जोश जुनून के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है, ये भारत के लिए गौरव और सम्मान की बात है। मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा हजरत शेख सलीम चिश्ती दरगाह पर पहुंचकर चादर पोशी की गई व देश में अमन चैन के लिए दुआ मांगी। उनके साथ दरगाह के सज्जादा नसीन एजाजुद्दीन चिश्ती उर्फ रईस मियां, उनके पुत्र वरिष्ठ पत्रकार अरशद फरीदी साथ रहे और जियारत कराई। प्रेस वार्ता में उन्होंने अग्निपथ को लेकर भी कहा, आज देश में नौजवानों को विरोधी पार्टियां भड़का रही हैं, जबकि इससे देश के नौजवानों को सुनहरा अवसर मिलेगा। 4 साल बाद उन्हें अर्धसैनिक बल सहित विभिन्न कंपनियों में और अन्य नौकरियों में कार्य करने का अवसर भी मिलेगा। यदि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने से परेशानी है तो अपनी बात शांतिपूर्वक रखें, नौजवानों को मोहरा ना बनाएं। और भारत के लोगों के संकल्प से आज पूरी दुनिया 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मना रही है। फतेहपुर सीकरी जो बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है, इतिहास से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जो है वो अगर आप देखेंगे तो आपको एक आध्यात्मिक अनुभव होगा, एक रूहानी एहसास होगा। और वहाँ पर ये इतनी हजारों की संख्या में लोग योग दिवस के दिन योग के कार्यक्रम कर रहे हैं। हम सबको योग दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और मोदी जी को खास तौर से हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे इस भारत की इस शानदार जानदार विरासत को पूरी दुनिया में बहुत ही बेहतरीन पहचान दिलाई। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।